अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैनोरामा शॉपिंग सेंटर माल रोड लाहौर पर वाकया है और ये शॉपिंग सेंटर दो फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। जहाँ से इस सेंटर की एंट्रेंस है वो ग्राउंड फ्लोर है और इसके नीचे जो है वो एक बेसमेंट बनी हुई है। नाज़रीन, ये सेंटर खास तौर पर जेंट्स वैरायटी के लिए बहुत ही मशहूर है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस किस्म की जो है वो वैरायटी मौजूद है जेंट्स की और क्या कुछ हमें यहाँ से मिल सकता है। और यहाँ पे हम लोग दुकानदारों से बात करके मार्केट के हालात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप मुझे बताएं कारोबार कैसा जा रहा है आपका? बेटे ये महंगाई की वजह से बिल्कुल कारोबार तबाह हो गया। ये हुक्मरानों को चाहिए कि इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। हाँ जी, तो रीजन क्या है? प्राइसेस हाई हो गई हैं या वैसे हर चीज जो है ना वो महंगाई की वजह से लोग डिस्टर्ब हो गए। लोग ठीक है, बिल दे सिविल कहाँ से लें। हाँ, कितने अरसे से ऐसे हो रहा है, मतलब क्योंकि एक दो साल दो महीने से हो रहा है। कुछ महंगाई की वजह से और कुछ मुल्की हालात की वजह से इनके कारोबार में खासी कमी हुई है। मजीद आगे चल के भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कारोबार के हालात कैसे जा रहे हैं। अंकल, आप मुझे बताएंगे कि कारोबार मतलब कैसा जा रहा है, हालात कैसे चल रहे हैं? तो कैसी जा रही है खरीदो फरोख्त, मतलब कि ग्राहक वगैरह कैसे हैं? रश नहीं पड़ा, स्लो ही काम स्लो अभी। क्या वजह है इसकी? कुछ मुल्की लाभ लेते नहीं है, कुछ वैसे महंगाई बढ़ गई है, तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी दुकानदारों की क्या राय है और मज़ीद यहाँ पे जेंट्स के हवाले से कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। नाज़रीन, इस शॉपिंग सेंटर के दोनों फ्लोर्स जेंट्स वैरायटी से भरे पड़े हैं। हर शॉप जो है वो जेंट्स के हवाले से ही है। यहाँ पे पेंट शर्ट्स, कुर्ता पजामा, शलवार कमीज़, शेरवानी, मतलब कि ग्रूम की पूरी ड्रेसिंग के हवाले से और इसके अलावा जूते, वॉचेस, हर तरह की वैरायटी जो है वो यहाँ पे दस्तयाब है। नाज़रीन, इस शॉपिंग सेंटर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी जेंट्स वैरायटी मिल सकती है, यानी कि आप लोग यहाँ से जूते भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी, और इसके अलावा और भी जो जो चीज़ें जेंट्स के हवाले से ज़रूरी होती हैं वो सारी की सारी यहाँ से आप लोगों को आसानी से मिल सकती हैं। नाज़रीन, इस शॉपिंग सेंटर की टोटल चार एंट्रेंस हैं और ये इस सेंटर का हॉल है। यहाँ पर आप लोग जो है वो रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। जी तो हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आगे भी दुकानदारों से जो है जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आखिर कस्टमर क्यों नहीं है। जी तो नाज़रीन, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर में रश नहीं है, कस्टमर बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो चलिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं और किसी
दुकानदार से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं कि जिनकी वजह से कस्टमर्स नहीं आ रहे या कोई और रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम सर, कारोबार के लिहाज से बताएं किस तरह का चल रहा है? हाँ वो मैंने नोट, हाँ जी, तो क्या रीज़न है क्यों नहीं आ रहे? महंगाई बहुत होती है, तो इस सेंटर में जो चीजें इनकी प्राइस क्या हाई है इस वजह से नहीं आती? प्राइस तो रीजनेबल प्राइस है, मार्केट में मुनासिब प्राइस है। ठीक है।